नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्वाइन स्विच कुबेर का यूट्यूब चैनल, जहां हम डिकोड करते हैं क्रिप्टो की गुत्थी को। देखिए, जब भी क्रिप्टो करेंसी की बात होती है तो हमारे दिमाग में दामों का घटना, बढ़ना, रिस्क लेना, ये सब घूमने लगता है और कई बार इसी वजह से हम लोग क्रिप्टो में निवेश करने से भी बचते हैं। लेकिन आज हम जिस क्रिप्टो करेंसी की बात करने वाले हैं, उसने न सिर्फ दामों की अस्थिरता को खत्म किया है, बल्कि लोगों का विश्वास जीतकर टॉप की क्रिप्टो करेंसी बन गई है। आज हम अपनी क्रिप्टो करेंसी की सीरीज में बिल्कुल इत्मीनान से और आसान भाषा में समझेंगे टेदर कॉइन के बारे में। जानेंगे कि इसे कब और किस लिए बनाया गया, किस समस्या का ये समाधान करता है, इतना जल्दी ये प्रसिद्ध कैसे हो गया, इसकी कीमत कितनी है, आपको इसके बारे में क्यों जानना चाहिए, इसका फ्यूचर क्या है, ये सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप दुनिया की टॉप क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बारीक से बारीक जानकारी चाहते हैं तो कॉइन स्विच कुबेर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ क्रिप्टो के ज्ञान की गंगा बहती रहती है। शुरुआत इसके इंट्रोडक्शन से करते हैं। देखिए, टीदर एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसके दाम हमेशा स्थिर रहते हैं। बिटकॉइन, बिनांस कॉइन जैसे ऊपर नीचे नहीं होते रहते हैं, क्योंकि टीदर एक स्टेबल कॉइन है। इसके दाम $1 के आसपास ही रहते हैं। इसे USDT कॉइन भी कहा जाता है। इसको 2014 जुलाई महीने में बनाया गया था, तब इसका नाम रियल कॉइन हुआ करता था, लेकिन बाद में अक्टूबर 2014 में ही इसका नाम बदल के टीदर कर दिया गया। आज की डेट यानी 9 अक्टूबर 2021 को इसका मार्केट कैप 5,81,000 करोड़ रुपए से भी पार का है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखेंगे तो ये दुनिया का 5वें नंबर का क्रिप्टो है। अब सवाल ये उठता है कि स्टेबल क्वाइंस की जरूरत ही क्यों पड़ी और दुनिया का सबसे पुराना स्टेबल क्वाइन टीदर किन समस्याओं का समाधान करता है। तो देखिए, टीदर ब्लॉकचेन पर आधारित क्रिप्टो करेंसी है जो बिल्कुल फिएट करेंसी के जैसे काम करता है। फिएट करेंसी यानी कि डॉलर, यूरो या रुपया, मतलब जिसका एक तय कीमत हो और तय कीमत पर ही वो सर्कुलेट हो। क्रिप्टो करेंसी में स्टेबल क्वाइन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब भी हम किसी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं तो दाम घटने बढ़ने की वजह से हमेशा एक रिस्क बना रहता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग क्रिप्टो में पेमेंट करने से बचते हैं। इसी समस्या का समाधान करने के लिए टीदर क्वाइन को बनाया गया और टीदर को बनाने का मूल मकसद ही यही था कि वो क्वाइन पेपर वाली करेंसी को रिप्लेस कर दे और आम लेन देन में टीदर का इस्तेमाल होने लगे। मतलब आप किसी दुकान में गए तो अपना लेन देन, अपनी पेमेंट जो है वो टीदर में करिए। वैसे तो बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनका मेन मकसद यही था कि वो पेपर वाली करेंसी को रिप्लेस कर दे और खुद प्रचलन में आ जाए, लेकिन उनके दाम इतने वॉलेटाइल है कि लोग उसका इस्तेमाल करने से बचते हैं। और इसी समस्या का समाधान करने के लिए स्टेबल क्वाइन का जन्म हुआ है। स्टेबल क्वाइन के दाम स्थिर होते हैं, इसलिए इसे लोग आम लेन देन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खुद सोच कर देखिए कि अगर आप किसी दुकान वाले को बिटकॉइन से पेमेंट करते हैं तो उसके दिमाग में हमेशा एक रिस्क बना रहेगा कि कहीं बिटकॉइन की कीमत पहले से कम ना हो जाए, नहीं तो मेरा घाटा हो जाएगा। लेकिन अगर यही पेमेंट टीदर क्वाइन में किया जाए तो कोई रिस्क नहीं रहेगा, ना ही दुकानदार को और ना ही ग्राहक को। और यही कारण है कि बहुत से लोग क्रिप्टो की ट्रेडिंग भी टीदर में करते हैं। बिटकॉइन की ज्यादातर ट्रेडिंग जो है वो टीदर में ही होती है। अब सवाल ये उठता है कि ये क्वाइन अपने दाम $1 के आसपास ही कैसे मेंटेन रख पाते हैं। देखिए, इसके कई तरीके हैं। उनमें से पहला है लोगों का भरोसा जीतकर। मतलब ऐसे मान लीजिए कि अगर लोगों को भरोसा ही ना हो पाए कि टीदर के दाम $1 के आसपास ही रहेंगे तो वो अपने क्वाइन डंप कर देंगे और दाम क्रैश हो जाएगा। इसलिए कंपनी अपने विश्वास को बनाने के लिए उतने ही कीमत के डॉलर या कोई और एसेट का रिजर्व रखती है। इससे ये साबित हो जाएगा कि कंपनी अपने बातों की पक्की है और ये क्वाइन वास्तव में आकी गई कीमत के बराबर है। जैसे हम टीदर के केस में देखते हैं कि प्रत्येक टीदर क्वाइन का एक्चुअल में $1 को सपोर्ट करता है। और दूसरा है टीदर की डिमांड और सप्लाई को मेंटेन कर। देखिए, टीदर का सर्कुलेशन अनलिमिटेड है, यानी ये क्वाइन असीमित मात्रा में बनाए जा सकते हैं ताकि डिमांड और सप्लाई के बीच का बैलेंस बनाया जा सके, ताकि टीदर के दाम भी स्थिर रहे। जैसे मान लीजिए अगर टीदर की डिमांड बढ़ जाए तो दाम भी बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में दाम को स्थिर रखने के लिए और टीदर क्वाइन जारी करने होंगे। ठीक इसी तरीके से अगर टीदर की डिमांड पहले से कम हो जाए तो कीमत भी पहले से कम होगी। ऐसी स्थिति में कीमत को स्थिर रखने के लिए कुछ क्वाइन को हटाना पड़ेगा। इसी तरीके से डिमांड और सप्लाई में बैलेंस बनाकर टीदर की कीमत को स्थिर रखा जाता है। अब बारी है टीदर को बनाने वाले यानी उनके फाउंडर्स के बारे में जानने की। टीदर के पहले को फाउंडर हैं ब्रूक पियर्स, जो कि एक मशहूर एक्टर भी हैं और US में इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। ये बिटकॉइन फाउंडेशन के डायरेक्टर भी हैं और क्रिप्टो की दुनिया में काफी चर्चित व्यक्तित्व है। टीदर के दूसरे को फाउंडर हैं रीव कोलिंस,
ये टीदर के सीईओ भी रह चुके हैं और अमेरिकन बिजनेसमैन भी हैं। ये ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसके तीसरे को-फाउंडर हैं क्रेग सेलर्स, ये ओमनी लेयर प्रोटोकॉल के भी फाउंडर हैं। ओमनी लेयर प्रोटोकॉल वही प्रोटोकॉल है जिस पर बिटकॉइन का ब्लॉकचेन काम करता है। ये क्रिप्टो की दुनिया की जानी मानी शख्सियत है। वर्तमान में टीदर के सीईओ जेएल वॉन्डर हैं, ये बिटफिनेक्स के सीईओ भी हैं। मतलब कुल मिलाकर इनकी टीम काबिल और मेहनती लोगों से भरी पड़ी है। आइए अब देखते हैं टीदर के दाम कब ऊपर गए, कब नीचे आए और ये किस वजह से हुआ। वैसे तो टीदर एक स्टेबल क्वाइन है, उसके दामों के घटने बढ़ने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन क्योंकि टीदर भी एक क्रिप्टो है तो डिमांड और सप्लाई के बीच अगर बैलेंस नहीं बन पाता तो दाम ऊपर नीचे हो सकते हैं। वैसे टीदर के केस में ऐसा बहुत कम देखा गया है। जैसे 24 जुलाई 2018 को टीदर का दाम $1.32 पहुंच गया था, जो अब तक टीदर का ऑल टाइम हाई है। और एक बार 2 मार्च 2015 को टीदर का दाम गिरकर $0.5725 तक गिर गया था, लेकिन ये बहुत कम समय के लिए हुआ था और अब तक टीदर का ऑल टाइम लो भी यही है। बाकी आम तौर पर टीदर का दाम लगभग $1 ही रहता है। अब जानते हैं टीदर के भविष्य को लेकर क्या संभावना है। देखिए, अगर पेपर करेंसी के नजरिए से देखा जाए तो उसको ज्यादातर स्टेबल क्वाइन ही चैलेंज कर सकते हैं, ना कि वॉलेटाइल करेंसी। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि इसका मार्केट कैप काफी ज्यादा है, इसका मतलब इस क्वाइन की लिक्विडिटी भी बहुत हाई है, जिसकी वजह से इसमें निवेश करना और भी आसान हो जाता है। अब सवाल यह है कि टीदर इतना मशहूर क्यों है। देखिए, पहली बात तो ये कि हम सब जानते हैं क्रिप्टो मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, यहाँ दामों में उतार चढ़ाव बहुत तेज़ी से होते रहते हैं। चंद सेकंड में ही लोग बहुत सारा अपना पैसा खो सकते हैं, बहुत सारा पैसा पा भी सकते हैं, लेकिन वहीं एक ऐसा क्वाइन भी है जो दामों के उतार चढ़ाव के बीच में बड़े स्थिरता से और मजबूती से खड़ा रहता है और उसका नाम है टीदर। दूसरी बात, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में बहुत से स्टेबल क्वाइन मौजूद है, जैसे ट्रू यूएसडी, यूएसडी क्वाइन, बिनेंस यूएसडी, लेकिन इन सभी में टीदर ज़्यादा मशहूर है। इसके कई कारण हैं, जैसे टीदर की ट्रांजेक्शन कॉस्ट लो है, टीदर की लिक्विडिटी अधिक होने की वजह से इसकी कीमत ज़्यादा स्थिर रहती है बाकी स्टेबल क्वाइंस की तुलना में। तीसरा, इन सब के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात कि टीदर सबसे पहला और सबसे पुराना स्टेबल क्वाइन है। तो आज हमने जाना एक मशहूर स्टेबल क्वाइन के बारे में जो बाकी क्रिप्टो करेंसी से कई पहलुओं में अलग है। हमने क्रिप्टो करेंसी से संबंधित और भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप वो भी हमारे चैनल पे देख सकते हैं। बाकी क्वाइन स्विच कुबेर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिल जाए। चलते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक अनरेगुलेटेड डिजिटल एसेट है, न कि वैध मुद्रा, इसलिए सभी तरह के निवेश दामों के उतार चढ़ाव और बाजार के जोखिमों के अधीन है। क्वाइन स्विच कुबेर किसी तरह के लाभ या रिटर्न की गारंटी नहीं देता है।